फ्रेंड्स आज बनाते हैं नवरात्रों में फास्ट रखने वालों के लिए कुछ स्पेशल स्मूदीज जो आपको दिन भर के लिए फास्ट में फुल रखेंगी और आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करेंगी। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं स्मूदीज। हे फ्रेंड्स, टू सब्सक्राइब माय चैनल क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड प्लीज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द रेसिपीज। डेट्स स्मूदी के लिए सबसे पहले मैंने लिए हैं थोड़े से डेट्स, करीब आधा कप, और ये डेट्स के मैंने बीज निकाल लिए हैं खजूर के, ये देखिए कि ये करीब आधा कप है। और इसके अलावा मैंने लिया है आधा कप दही और थोड़ा सा दूध। सबसे पहले डेट्स को थोड़ा सा दूध डाल के फाइन पेस्ट बना लिया। अब बनाएंगे स्मूदी। इस पेस्ट को डालेंगे एक जार में मिक्सी, और फिर डालेंगे दही, थोड़ा सा दूध और बहुत थोड़ा सा पानी। ये देखिए इसका स्मूद, हमने स्मूदी बना ली, मिक्सी चला लिया है। स्मूदी को हम स्मूदी कोई भी जार जिसमें आप सर्व करने वाले हैं उसमें डाल दीजिए। गार्निश कर देते हैं कुछ डेट्स के साथ और ऊपर से डाल देते हैं बादाम का पाउडर। और ये हमारी डेट स्मूदी रेडी है। अब बनाते हैं एप्पल स्मूदी। इसके लिए हम लेंगे कुछ एप्पल्स, थोड़े से सिंगाड़े, ये सिंगाड़े मैंने छील लिए हैं। लेंगे दूध, दही, चीनी और थोड़ा सा सिनेमन। एक पैन में डालेंगे घी और उसमें डाल देंगे एप्पल, डाल देंगे 1 से 1.5 चम्मच चीनी, और जब तक चीनी घुल जाएगी तब तक हम उस एप्पल को चलाएंगे। देखिए चीनी घुल जाएगी, थोड़ा सा कैरामलाइज हो जाएगी और उस वक्त हम इसे बंद कर देंगे। अब इसे बंद कर देते हैं। अब एक मिक्सिंग जार में डाल देते हैं यही कैरामलाइज एप्पल, थोड़े से सिंघाड़े, आधा चीनी, चीनी की जगह आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं, आधा कप दही, थोड़ा सा दूध और पानी। पानी बहुत थोड़ा यूज़ करें। एक जार में जिसमें हमें इसको सर्व करना है उसमें थोड़े एप्पल डाल दिए, थोड़ा सा सिनेमन डाल दिया ऊपर से, दालचीनी, और डाल देते हैं हमारी स्मूदी। ये देखिए कुछ कटे हुए एप्पल्स ऊपर से, स्प्रिंकल करते हैं दालचीनी सिनेमन के साथ, और ये देखिए ये एप्पल स्मूदी रेडी है। अब बनाते हैं बनाना एंड बादाम स्मूदी, और उसके लिए हमें चाहिए बनाना, दही, बादाम, चीनी और थोड़ा सा दूध। एक पैन में बनाना ले लिया और हल्का सा घी डाल के उसे रोस्ट कर लेंगे, भून लेंगे थोड़ा सा। थोड़ी सी चीनी डाल देंगे और जब तक ये चीनी कैरामलाइज्ड हो जाएगी, पिघल जाएगी, तब तक हम बादाम को भूनेंगे और फिर बंद कर देंगे। ये देखिए इट्स डन। अब मिक्सिंग जार में ये बनाना डालेंगे, डालेंगे चीनी थोड़ी सी, चीनी की जगह आप हनी यूज़ कर सकते हैं, बादाम का पाउडर जो हमने पीस के रखा है 3 चम्मच, आधा कटोरी दही, थोड़ा सा दूध और बहुत थोड़ा सा पानी, इसे भी पीस लेते हैं। ये देखिए ये हमारी बनाना स्मूदी जार में हमने डाल दी। स्प्रिंकल करते हैं बादाम से, पिसे हुए बादाम, डेकोरेट कर देते हैं कुछ बादाम के फ्लेक्स से, और ये हमारी बनाना एंड बादाम स्मूदी रेडी है। एंजॉय करिए हमारी ये तीनों स्मूदी आपके नवरात्र फास्ट पे। फ्रेंड्स नवरात्रों में जो हम 9 दिन फास्ट रखते हैं उसमें हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो आपके लिए एक छोटी सी टिप, अपनी बॉडी को रखिए हाइड्रेट, पीते रहिए पानी लगातार, और पानी नहीं तो कोकोनट वाटर या फिर पानी के अंदर थोड़ा सा चीनी और नींबू डाल के पतली सी शिकंजी भी बना सकते हैं, या फिर एक छोटी सी छाछ पी सकते हैं थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के। ये अगर आप फास्ट के बीच में लेते रहे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी और आप
बहुत आराम से फास्ट करेंगे। फ्रेंड्स अभी मैं चलती हूँ, वेंसडे में फिर आऊंगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि, बाय।